so you must be wondering why I'm in a car, why I'm in my school uniform. I'm feeling a bit better, and I'm going to school today. And yep, I have to wear, and I'm wearing my PE kit because it's Friday and I have activities and I have cookery. I've done so far, I've done animation, I've done forest, and now I'm doing cookery, the third and final one. Cookery is my last one, and yep, and you get to make a pizza, so I'm pretty excited. And how are you feeling? I'm feeling great. I have medicine, and it's really disgusting. Really. So I'll see you when I come back from school. For now, peace. Thank you to everyone. Oh, I forgot to say one thing. Thank you for all your wishes you sent me, and you said, please get well soon. I was very looking at the road. I'm so sorry. Did mommy tell you guys I had to stay in hospital? I had to stay in hospital for one day, and it was really tiring. And yeah, and thank you for your wishes. So for now, peace. Abhi, we are at school now. Yep. All right, let's go now. Take your bag. What? Here you go. Okay, have a really good day, baby. Okay. Okay, be good. Bye. I love you. हाँ जी जी, कैसे हो सब लोग? वेलकम टू अनदर व्लॉग. तो बस मैं आ चुकी हूँ कॉलेज से वापस. अब बस फटाफट से लगते हैं काम में. सौरभ भी अपनी कॉल्स अभी फिनिश कर आया है, और अबीर को स्कूल लेने जा रहा है. इससे पहले ये निकले, मैं फटाफट से चेंज करके बनाती हूँ अबीर के लिए खिचड़ी. और आज मेरी दोस्त आ रही है, तो बहुत सारे काम है गाइस. बस लगते हैं कामों पे. तो गाइस, बिल्कुल टाइम नहीं था. कॉलेज से आई, फटाफट अबीर के लिए खिचड़ी बनाई, और अब देखिए तैयार. क्या बस मैं क्या बताऊं, कपड़े बस पहने हैं मैंने. ठीक है, तो मेरी आ चुकी है दोस्त, मिली है मेरी बचपन की दोस्त है. हम लोग उससे मिलाने से पहले थोड़ी इंट्रोडक्शन ले रही हूँ. थर्ड क्लास में मिले थे हम लोग, और हम लोग टेंथ क्लास तक इकट्ठे पढ़े हैं. 12 साल की हिस्ट्री है, हम 12 साल के बाद मिल रहे हैं. हाँ, हम 12 साल पहले ईस्ट लंदन में मिले थे. तो हम लंदन रहते थे. तो ये है पूजा, एंड बाय प्रोफेशन शी इज अ डॉक्टर. ये थोड़ा ज्यादा पड़ गई, मैं थोड़ा कम पड़ गई, तो ये डॉक्टर बन गई. मैं चल कोई नहीं, मैं ब्लॉगर बन जाती हूँ. नहीं नहीं, आज तो कैसा लग रहा है भाई यूके में? बस बिल्कुल, आई लुक फॉरवर्ड टू कम हियर. मेरी ऑडियंस को सारी बातें बतानी है, बचपन की भी, और अभी तुम क्या कर रही हो, क्योंकि मैंने बहुत बातें करी है कल के व्लॉग में. मैंने बोला है भाई, मेरी डॉक्टर फ्रेंड आ रही है, मेरे बच्चे का एक और एग्जामिन होगा, मैं उसमें ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ. कल में एक डॉक्टर नहीं, दो दो डॉक्टर है. अगर आप बीमार हो तो बता दो, हम अभी घर पे है, वहाँ पर डॉक्टर एक भी नहीं, दो है हमारे पास. दो है गाइस, इससे हम आपको दूसरे डॉक्टर से मिलाएंगे. तो हियर यू गो गाइस, रोहित, पूजा के हस्बैंड. That's me. Pooja's daughter Myra. Say hello. And that's Arsh. And that's Pooja's house. Hello. तुम्हें सब जानते हैं. तो बस हम लोग अब जा रहे हैं डिनर पे. बातें तो चलती रहेंगी, बहुत सारी बातें हैं, तो हम आपसे करते रहेंगे. हम जा रहे हैं ज़ाज़ा बाज़ार. हाँ, हम लोग जा रहे हैं ज़ाज़ा बाज़ार. तो हम लोग पहुँच चुके हैं, और अभी बस ज़ाज़ा बाज़ार में अभी थोड़ी सी वेट है. और आज हम सिटी सेंटर से निकल रहे हैं. बहुत ही कम होता है कि मैं हम वीकेंड पे सिटी सेंटर आए, लेकिन अभी बच्चे आए हुए हैं और हमने सोचा था ज़्यादा बाजार जाएंगे. तो मैं अभी आपको नाइट लाइफ दिखाऊंगी, अगर दिखा पाई क्रिस्टल की. मेरे पीछे हार्बर है, तो आप देख सकते हो. और बस हम लोग जरा घूम रहे हैं. Do you want to say something? Say hello on the camera. What she would love to do. So you have to say hello. कोई इसमें से निकल कर नहीं आएगा. तो ये लोग यहाँ पे गप्पे मार रहे हैं. मैंने कहा चलो मैं आपको जरा झील किनारे ले चलती हूँ, जब तक ये लोग बातें कर रहे हैं. तो सामने हो रही है भाई कनोइंग. मैंने भी सोचा था जिंदगी में एक बार मैं ज़रूर करूँगी, लेकिन लग नहीं रहा कर पाऊँगी, तैरना ही नहीं आता बहन को. तो ये जो आप शिप देख रहे हो, बहुत ही पुरानी शिप है. मुझे कोई अंदाज़ा नहीं है कितनी पुरानी है, लेकिन हाँ, इन क्रेन्स के बारे में मुझे पता है. ये पुराने ज़माने में यूज़ होती थी. और ये देखो, ये वाली जो बोट आ रही है ना, एक दिन इसमें जाना है. मैं गई हुई हूँ वैसे इसके अंदर. हाँ, जब से व्लॉगिंग शुरू करी है तब से नहीं गई कभी, लेकिन आप लोगों को लेके चलूँगी.
तो ये है ब्रिस्टल हार्बर, बहुत बड़ा है ये, तो मैं आपको एक पार्ट दिखा रही हूँ। यहाँ पर लोग स्केटिंग के लिए आते हैं, और इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये किसी बैंक की बिल्डिंग है। ये है लाइट हाउस, यहाँ पर बॉटल फ्लिपिंग वाला गेम चल रहा है, बॉटल को फ्लिप करके खड़ा करना है सीधा। और मेरी छोटी, यू विल नॉट एग्जर्ट, यू डिड इट। ये लोग, ओ वाओ, वाओ बीरी। गाइज मैंने ज्यादा बाजार में ज्यादा ब्लॉग नहीं करा, आई टेल यू, लेकिन एक बंदा, ये अर्श भाई, अब हम निकल रहे हैं, हम सब जा रहे हैं, ये बंदा अभी भी खा रहा है। हमने इसको इस वाले काउंटर पे देखा है, यहाँ पे कुछ डाल रहा था अपने प्लेट में। तेरा बेटा अभी भी खाना खा रहा है, ये बेटी भी देखिए, नहीं बेटी ने, चलो बेचारी ने एक जेली ली है। हाँ जी, जेली, फूड बेबी फूड। बस अब जाने का टाइम आ गया है, मैंने आपको ज़्यादा नहीं दिखाया, तो फटाफट से टूर दे देती हूँ आपको यहाँ का। तो देखो यहाँ पे ना ड्रिंक स्टेशन है, तरह तरह की, सब तरह की ड्रिंक्स मिलती हैं यहाँ पर। यहाँ पर इनका ना सैलेड बार होता है, शायद अब ख़त्म ना हो गई हो चीज़ें, क्योंकि बंद होने का टाइम हो चुका है। तो हर तरह का सैलेड मिलेगा आपको, ये चॉकलेट फाउंटेन है, और सब लोग बड़े अच्छे हैं भाई, बहुत सारे इंडियन स्टाफ हैं इनके पास। तो आइसक्रीम्स हैं, और यहाँ पर ये चाइनीज़ काउंटर है, तो यहाँ पे सारा चाइनीज सामान मिलता है। हेलो, और ये सुशी, जापानीज, चाइनीज, सब कुछ। और ये वाला जो है, दिस वन इज़ अमेरिकन, ठीक है, यहाँ बर्गर, हॉट डॉग्स सब मिलेंगे। दिस वन इज़ इटालियन, ये जो भैया यहाँ पे खड़े हैं, इन्होंने हमारे लिए पास्ता बनाया था, बहुत अच्छा पास्ता बनाया था इन्होंने हमारे लिए, थैंक यू। तो और ये है मेन काउंटर, इंडियन काउंटर, तो देख सकते हो आप, डोसा वोसा सब बहुत मस्त मिलता है भाई, सीरियसली बहुत खाया, बहुत सारा खाया। बस अब आ गया टाइम घर जाने का, बच्चों ने खूब इंजॉय करा, तो मैंने आपको एक मिनी टूर दे दिया ज़्यादा बाजार का। आज गला बहुत बैठा हुआ है बहन का, क्योंकि सुबह से काम कर रही थी, फिर घर आई, बस सब कुछ जल्दी 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 हुआ है आज। चले, मज़ा आया, कैसा लगा भाई? ये कह रहे हैं सिंगापुर भूल चुके हैं ये लोग। देखो मैंने आपसे वादा करा था मैं नाइट लाइफ दिखाऊंगी, एंड इट्स अमेजिंग, बंदे नाच रहे हैं भाई। तेरी अभी तक आदत गई नहीं ना बचपन के लोगों को नाचते हुए देखने की। गाइस स्कूल में ना कोई भी फंक्शन हो जाए, कुछ भी हो जाए, हम सब चीजों में पार्टिसिपेट करते थे, सीरियसली, है ना, पता कोई ऐसा स्कूल का एक डांस नहीं छोड़ा, सच में स्कूल का एक डांस नहीं छोड़ा हमने, सीरियसली, कमलेश मैडम से डांस सीखा, ओ भाई पता घर में इतनी गालियां पड़ती थी ना, अब कौन सा डांस है तुम्हारा, मम्मी लहंगा चोली ला दो, मम्मी ये ला दो, मम्मी वो ला दो, भाई मुझे तो बहुत गालियां पड़ती थी, गाने भी याद है, सीरियसली हमने हरियाणवी गानों पे इतना डांस करा है, इतना डांस करा है, नहीं नहीं गाना नहीं है, गाना नहीं है, नहीं नहीं गाना नहीं है। गाइस इतने प्यारे लोग हैं ये, हमने इंडिया में भेज, ये सिंगापुर से अपना पंखा अपने साथ लाए हैं। ये पंखा होगा ना, पंखा नहीं, एक्चुअली पंखा तो हम ही लाए थे, लेकिन हमने कहा मेहमानों के पास भी कोई काम होना चाहिए, कब तक वेले बैठे रहोगे, कब तक ऐसे बैठ के तुम हंसती रहोगी, मुझे देखती रहोगी, कोई तो काम करोगी ना, इतनी महंगी लेबर, एक डॉक्टर से तुम पंखा लगवा रहे हो, कोई इलाज करवाते तो मैं समझती भी, पढ़ लिख के बंदा पंखा लगाएगा, बहुत लगाया है रोहित ने।
ये देखो यही तो है, जान के बहुत खुशी हुई। एक डॉक्टर पंखा भी बना इस आदमी ने, इतनी पढ़ाई करी, इतना बड़ा डॉक्टर बनाए, इस बंदी ने एक मिनट में हैंडीमैन बोल दी। नहीं बनाया नहीं है, वो अपनी चॉइस से बने हुए। चॉइस तो नहीं है बॉस, चॉइस तो किसी हस्बैंड की नहीं होती, इतना तो मैं भी समझती हूँ। जो भी चीज खराब होती है रोहित ही ठीक करते हैं। बड़े प्यारे हैं रोहित। तुम ये ऊपर कैसे फिट करोगे? यू हैव टू फिट दिस ऑन टॉप नाउ बिफोर यू कैन क्लोज इट। हो गया हो गया हो गया, उल्टा हो गया, अब हुआ है, अब हुआ है। हम उसको ऐसे कर रहे थे, एंटी क्लॉकवाइज बना था, एंटी क्लॉकवाइज। गाइज मैंने इन्हें समझा दिया है, सुबह व्लॉग की शुरुआत होगी, मैं इनके बेड के नीचे बैठी होंगी, ये जैसे उठेंगे मैं कहूंगी गुड मॉर्निंग, हम सफाई करते हुए मिलेंगे। गाइज इनको पता लग गया, आप लोगों को तो पता ही है, इनको भी समझा दिया गया। पंखा लग चुका है, अब जाएगा पंखा ऊपर। वो एक एड आती थी ना फैन की, कौन सी आती थी इंडिया में, स्क्रू ड्राइवर की आती थी, खेतान की आती थी ना, पंखा चलता लड़की के बाल से उड़ते थे, पंखा चल गया गाइस, डॉक्टर साहब ने पंखा बना दिया। अरे जल जा, मेहमानों के सामने इम्प्रेशन जमाना है, अरे जल गई। तो गाइस यहाँ पे ना कल के प्लान्स बन रहे हैं, तो कुछ डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि हमारे भाई बहन दोनों डॉक्टर्स हैं बहुत ही फेमस, तो जब आप डॉक्टर होते हैं तो आपको बड़ा डिस्काउंट डिस्काउंट मिलता है, तो कुछ बात चल रही थी, तो इन्होंने कहा कि चलो अगर नहीं भी मिला तो फिर वहाँ जाके पैसे दे देंगे, सौ रुपये लड़ाई हो जाएगी वहाँ जाके। इन्होंने कहा देखो लड़ाई होगी ना वहाँ जाके पैसे देंगे, मैं कहा नहीं लड़ाई होगी तो लड़ना है, अरे लाइट की बंद होगी। यार मैंने इस चीज पे बहुत सारे पैसे बचाए हैं जब से हम ब्लू लाइट कार्ड पे पैसे बचा रहे। देख रहे हो आप डॉक्टर बनने का पैसे बचते हैं, ब्लू लाइट कार्ड मुझे दे जाएगी ये, मैं स्टेथोस्कोप डाल के घूम लिया करूंगी रास्ते में। लेकिन अभी दो रह गई है, दो टिकट रह गई है, लड़की को बहुत डिस्काउंट मिलता है भाई, तो मतलब 100 पाउंड बच जाएंगे, बची जाएंगे। यार ये बहुत नेगेटिव हो रहा है, ये बहुत नेगेटिव है यार, मैं बता तो रही हूं रोहित को, तो मुझे लिटरली करना पड़ता है, मैं कर रही हूं, डोंट वरी। डॉक्टर्स भी लड़ते हैं, हस्बैंड वाइफ डॉक्टर वो भी लड़ते हैं आपस में, कैसा लग रहा है सूरी साहब फिर गार्डन में बैठ के? बात कर रही थी कि हमारा बुढ़ापा कैसे गुजरेगा, हम दोनों सठिया जाएंगे। तो हमें ब्लू लाइट कार्ड दे जाइए सठियाने से पहले, ठीक है, हमें दे दियो वो कार्ड जो डिस्काउंट मिल रहा है ना जिसपे एंड में जाके बोला कहती कार्ड तो मैंने मैं कहा ऑक्सफोर्ड में रुके हुए हो, बिस्टर विलेज वगैरह गए? कहती हाँ दो तीन बार हुआ है, हम पता दो साल में एक बार जाते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अगले दिन की सुबह हो गई है, मैंने ब्लॉग का एंड नहीं करा था रात को, क्योंकि रात को बाहर बैठे रहे गार्डन में, मौसम बहुत अच्छा था, काफी देर तक हम लोग बातें बातें करते रहे, तो बस उसके बाद तो फिर घर भर संभाला और लोग सोने चले गए, तो मैंने कहा चलो फटाफट से ब्लॉग का कर देते हैं एंड। तो आज का दिन बहुत बहुत अच्छा प्लान करा है हमने, हम जा रहे हैं जंगल सफारी पे, तो आप लोग कल का ब्लॉग जरूर देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है जंगल सफारी पे। तो ये यूके में जंगल सफारी कैसी होती है तो आप मेरे ब्लॉग्स पे पहली बार देखोगे, और आई एम वेरी एक्साइटेड टू शो यू गाइज। तो हम उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर मोहब्बतें फिल्म की शूटिंग हुई थी, तो कहां जा रहे हैं क्या करने वाले हैं तो अगले ब्लॉग में पता लगेगा। बाकी बचपन की दोस्त आई हुई है, बहुत मजा आ रहा है उसके साथ। तो मैं और पूजा थर्ड क्लास से लेकर 10th क्लास तक इकट्ठे पढ़े हैं एक ही स्कूल में, शी वेंट टू अनदर स्कूल और उसने मेडिकल ले लिया था, तो बाकी तो आपको पता ही है, वो डॉक्टर वॉक्टर है लड़की हमारी, बड़ी होशियार है। एनीवे दोस्ती की बातें और हमारे बचपन की बातें और करेंगे अगले वाले ब्लॉग में, आप बस बने रहिएगा, अपना प्यार देते रहिएगा। अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और एक बार फिर दिल से थैंक यू सो मच मेरे बच्चे के लिए, इतनी सारी दुआएं भेजने के लिए, थैंक यू गाइस, इट मीन्स अ लॉट। बस हम उसको दवाई टाइम पर दे रहे हैं, उसका ध्यान रख रहे हैं, सब कुछ अच्छा रहे, फिंगर्स क्रॉस, और आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल।